नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। नोटबंदी पर सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। संसद से लेकर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर समूचा विपक्ष संसद में सरकार के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार ने अपने फैसले का पूरा बचाव किया, लेकिन जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी भारी हंगामे के चलते बाधित हुई। टीएमसी, बीएसपी और कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया, वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क का क्या हाल रहा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नोटबंदी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष संसद में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार ने अपने फैसले का पूरा बचाव किया, लेकिन जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी भारी हंगामे के चलते बाधित हुई। टीएमसी, बीएसपी और कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया। सांसदों ने वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसद पीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि नोटबंदी पर पीएम जवाब दें। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि देश की जनता मोदी जी के साथ है और हम नियम 193 के तहत संसद में चर्चा कराने को तैयार हैं। संसद में तो नोटबंदी को लेकर हंगामा चल ही रहा है। वहीं सड़क पर भी संग्राम मचा हुआ है। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के आजादपुर मंडी बाजार में गुरुवार को एक रैली कर मोदी सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी ने देश को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा, हम काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन ये फैसला उचित नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार के पास नोट की कमी है और जनता परेशान है। हम लोगों ने जानकारी के लिए आए थे रिजर्व बैंक के पास। दिल्ली का जो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है, दिल्ली का रीजियोनल, हम लोगों ने उसको पूछने के लिए आया है कि आज भी 4,500 रुपया से 2,000 कर दिया और बैंक में रुपया अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ये चीज किया है। अगर रुपया अवेलेबल होता तो कल 4,000 देके, 4,500 देके आज उसको 2,000 में नहीं उतरता, तो बैंक्रप्सी है, रुपया का नोट अवेलेबल नहीं है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, लोग नोट लेकर घूम रहे हैं लेकिन सामान नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की आड़ में 8,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और जनता के पैसे से अरबपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। देश के अंदर अफरा तफरी मचाई हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि इनके पास नोट नहीं है, करेंसी नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे आरबीआई से पूछने के लिए कि आपने 500 के कितने नोट विड्रॉ किए हैं, आपने 1,000 के नोट बंद किए, कितने नोट थे जो बंद हुए 1,000 के, उसके एवज में कितने 2,000 के नोटों की जरूरत पड़ेगी, कितने 500 के नोटों की जरूरत पड़ेगी, कितने 100-100 के नोटों की जरूरत पड़ेगी, कितने 50-50 के नोटों की जरूरत पड़ेगी, उसमें से कितने छप चुके हैं और मार्केट में आ चुके हैं, कितने छपने बाकी हैं और डेली आपकी कितने छापने की कैपेसिटी है, ताकि पता तो चले ये कितने दिन के अंदर जनता नॉर्मल हो जाएगी। केजरीवाल और ममता बनर्जी की रैली से पहले आजादपुर मंडी में केजरीवाल के विरोध के नारे भी लगे। व्यापारियों ने केजरीवाल का विरोध करते हुए काले झंडे लहराए। व्यापारियों का कहना है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने 500 और 1,000 के नोट बंद होने से आम लोगों की परेशानी को देखते हुए हर रोज नियमों में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है। नए नियम के मुताबिक अब शुक्रवार से बैंकों और डाकघरों से मात्र 2,000 रुपए बदले जाएंगे। पहले ये सीमा 4,500 रुपए थी। वहीं सरकार ने किसानों और जिनके घर में शादियां हैं उन्हें बड़ी राहत दी है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए हफ्ते में 25,000 रुपए निकाले जा सकेंगे, जबकि जिनके घर में शादी है वो 2,50,000 रुपए तक निकाल पाएंगे। लेकिन इस रकम की निकासी एक ही खाते से होगी और कैश निकालने के लिए केवाईसी जरूरी होगा।
इसके अलावा वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में 50,000 रुपए नकदी निकासी की अनुमति दी गई है। किसानों के लिए कृषि लोन बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा भी 15 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं नोटबंदी के बाद परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। ग्रुप सी तक के कर्मचारी अब अपनी सैलरी से 10,000 रुपए तक एडवांस निकाल सकेंगे, जो कि उनकी नवंबर की सैलरी में से काट लिए जाएंगे। Decisions have been taken which mainly pertain to issuance of certain operational guidelines following the decision of the government to withdraw the legal tender character of the old 500 and 1000 rupee notes. These are mainly operational guidelines to deal with certain sections of the society, certain sections. नोटबंदी की वजह से आप लोग परेशान हैं, लेकिन गुरुवार को सरकार ने थोड़ी राहत की है, जिसका असर भी जल्द दिखाई देगा। वैसे बैंकों में अब भीड़ कम होने लगी है, इसके बावजूद भी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही और विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएचएन न्यूज। तो सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन हुए, संसद के अंदर सांसद कहीं ना कहीं विपक्ष के घेर रहे थे, उसके बाद सड़क पर तमाम नेता उतरे और उसके बाद यहां पर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद सामने आए वित्त मंत्री अरुण जेटली। नोटबंदी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लेगी। एटीएम के हालात पर बयान देते हुए जेटली ने कहा कि कुछ दिनों में एटीएम के हालात सामान्य हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डिफॉल्टरों के लोन माफ नहीं किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंकों तक पैसा जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है और किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये जो 100, 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर समाप्त किया, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? कि देश में करेंसी की संख्या कम हो, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जितनी करेंसी आवश्यक हो उतनी हो, काला धन अर्थव्यवस्था से बाहर जाए, टैक्सेशन बढ़े, सारी अर्थव्यवस्था बैंकिंग सिस्टम में आए, डिजिटाइज हो जितनी अधिक हो सकती है, और इससे सरकारी साधन बने, बैंक्स पे भी ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी क्षमता भी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की काफी बढ़ेगी, क्राइम मनी बाहर निकले। और इसका तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि इस देश की राजनीति भी स्वच्छ होगी, क्योंकि राजनीति में भी जो पैसा आता है चुनाव लड़ने के लिए वो भी स्वच्छ साधनों से आएगा और केवल हशस तरीके से वो आता रहे ये पर्याप्त नहीं है। तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि सारे विपक्ष को, राज्य सरकारों को इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत राजनीतिक दलों ने और राज्य सरकारों ने समर्थन किया है, वो इसको लागू करने भी मदद कर रहे हैं। लेकिन खेद है इस बात का कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ राज्य सरकारें इसमें विघटन पैदा कर रही हैं। संसद में बहस करो, बहस हो चुकी है, अब जवाब की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनकी तर्क और बहस में कोई दम नहीं था, इसलिए अब बहस को रोकने का प्रयास है। जहां तक करेंसी की अवेलेबिलिटी है, मैं स्वयं पिछले 3 दिन से बैंक ब्रांचेस में जाकर देखकर आया हूं, डिपॉजिट खूब हो रहा है, विड्रॉल खूब हो रहा है, और अगले कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान करेंसी रिप्लेसमेंट का पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस है वो भी छूट जाएंगी। आज मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट विड्रॉल ये सब काम अच्छा चल रहा है। अरुण जेटली सामने आए, कुछ बातें साफ कर दी। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, एक साथ सामने आए तो ये बात साफ साफ कह दी कि अगर 3 दिन के अंदर सरकार ने नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। अरुण जेटली ने शाम को आकर साफ कर दिया कि सरकार ऐसा कोई फैसला लेने नहीं जा रही है और एक सबसे खास बात की करेंसी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा अभियान करार दिया है और कहा है कि जल्द ही पूरा हो जाएगा, परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई परेशानी खत्म होगी और जो इस वक्त परेशानी हो रही है उस परेशानी को क्या आम जनता सहने के लिए तैयार है अगर देश का भला होगा, या फिर यह परेशानी इस वजह से हो रही है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं चंचुता डोगार जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अनिल झा जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सत्येन शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। सत्येन जी आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। चंचुता जी आपसे शुरुआत करते हैं, आज आपके
सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो चलकर दिल्ली तक आई, रिजर्व बैंक के सामने पहुंची, आजादपुर मंडी पहुंची और एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार ने 3 दिन के भीतर यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। शाम होते होते अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि अब यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। आपकी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसे है, जब तक लोगों की परेशानी नहीं रिजॉल्व होती, अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि मैं खुद जाके देख के आया हूँ कि भाई क्यूज भी कम हो गई हैं और पैसे डिपॉजिट भी हो रहे हैं और निकाले भी जा रहे हैं, और हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री की इतनी जो विदेशी दौरे उन्होंने पिछले कुछ महीनों में इतने सारे किए हैं, ये सब वहीं से ये लेके आए हैं। उन्हें ये भूल गए कि आम आदमी यहाँ पर भारत में आम आदमी प्लास्टिक पैसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वो भूल गए कि हमारी सिर्फ मुश्किल से 4 या 5% आबादी है जो कि प्लास्टिक के पैसे या कैश के साथ अपनी खरीदारी नहीं करती है। बाकी जो मेजॉरिटी है जनता हमारी, बिल्कुल कैश और छोटी छोटी रकम के साथ ही उनका रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। रोजमर्रा का ही उनकी लेना देना, उधार लेना, आड़तियों से तो किसान उधार लेता है, वो कैश में लेता है, हुंडी सिस्टम और जितने भी जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो सब कैश पे चलते हैं। ये शायद जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि आम आदमी भारत का अलग है, उसकी अलग तरह से उसकी जिंदगी चलती है, और अगर हम बाहरले देशों को बिल्कुल ब्लाइंडली अगर हम कॉपी करें तो इस तरह की मुश्किलात बिल्कुल सामने आएंगी। हमारी पार्टी का ये बिल्कुल साफ है कि जब तक आप आम आदमी की ये जो मुश्किल है इसको आप बिल्कुल सरल या इसको खत्म नहीं कर देते, जब तक आप और दूसरी एक और चीज है बहुत बड़ी जो हमें लगता है कि आम आदमियों से ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं बैंकों में, सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो 8,000 करोड़ अभी तक इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकों को ओ करते हैं, उनको देना है ये कर्ज वापस। और हमें ये शंका है कि मोदी जी, क्योंकि जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 10 लाख करोड़ पैसे इकट्ठे किए जाएंगे इस तरह आम आदमियों से, ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा मोदी जी के अपने जो बड़े बड़े पूंजीपति जो दोस्त हैं उन सब का जो कर्ज। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मोदी जी गरीब किसान का भी कर्ज माफ करेंगे जो सिर्फ पंजाब जैसे एक प्रदेश में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है? तब तो हम माने कि ये गरीबों की जिंदगी को और आसान साफ सुलझाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए ये कदम उठाया गया है। और लेकिन हमें ये अंदेशा है कि मंशा सरकार की इस पूरे ये जो एपिसोड है इसमें गलत मंशा से ये काम कर रहे हैं, नियत साफ नहीं है। क्योंकि अगर नियत साफ होती तो मोदी जी सबसे पहले जो बड़े बड़े मोटे मोटे जिनके पास काला धन है सबसे पहले उनको पकड़ते। उसमें से एक भी अभी तक एक भी बड़ा कोई उद्योगपति या कोई बड़ा काला धन का व्यापार ऐसे तो है नहीं कि सरकार को मालूम नहीं है। निशाना साधा नहीं जा रहा, कहना है कि आम आदमी का जो पैसा लिया जाएगा, आम आदमी पार्टी इस बात की आशंका जाहिर कर रही है कि ये जो तमाम पैसा है उससे उद्योगपतियों की मदद की जाएगी। चलिए, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, बस छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। कांग्रेस क्या कहती है और बीजेपी उस पर जवाब क्या देती है, ब्रेक के बाद।